तो वो ब्लैकबेरी कंपनी से वो नौजवान ऐप बना के अगर वो फोन के प्ले सकते हैं, कमा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं होते? हम भी इसके बारे में सोच सकते हैं। तो आप मेडिकल से व्यवस्था नहीं, आप जिस शोबे का मतलब समझा होता है घरवाले नहीं मानते, आपको जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है। वैसे तो मैं घर वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, या जो बच्चा करना चाहता है उसको करना चाहिए। अगर आपको उसको इस काबल बनाना है, वो कमाने के काबल हो, तो उसको उसके शौक में लगा दें, वो कमाने के काबल हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई ऐसा नहीं। तो अगर लेकिन आप फिर भी मजबूर हैं मेडिकल, लेकिन फिर आप अपना सेकेंड जो स्किल सेट है उसको बिल्ड करें साथ साथ, और उसकी जरूरत को समझें। दुनिया में जॉब आप 10 लाख, मैं आपको 10 लाख आईटी के स्किल सेट वाले लोग प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी जॉब्स की कमी होगी। इतने इसके अंदर जॉब्स हैं, इतने जॉब्स हैं। अगर यहां पर बैठे 2 बच्चे सिर्फ आप क्या करके उनको पता लग रहा है, तो यहां हजारों बच्चा अगर पिंचना बात का अगर स्किल सेट को सीख ले, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। और दूसरा, पाकिस्तान इस वक्त फ्रीलांसिंग के अंदर 4 नंबर पर है पूरे दुनिया के अंदर लोग फ्रीलांसिंग में। अब फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्री फ्री पता नहीं, मैं रेवड़ियां मांगने आ रहा हूं फ्री, ये फ्रीलांसिंग बताएंगे हमारे अंदर स्पीकर इसके बारे में। लेकिन ये पहले नंबर पर जा सकती है, मतलब ये वो स्किल सेट है जिसके ऊपर बगैर इन्वेस्टमेंट के आप बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो जरे मुबादला पाकिस्तान की इकोनॉमी में एड ऑन कर सकते हैं। मतलब आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ कर $1 भी ऑनलाइन अर्न करते तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब वो गिला शिकवा सियासतदान ने किया, वो नहीं हुआ, सरकार ने नहीं किया, वो करने से खतर बेहतर है कि हम अपना रोल प्ले करें। तो हम पहले नंबर पे, मैंने स्टैट्स पढ़े हैं, और मैं अक्सर जो पीएटीवी या उनके जो उदाहरण से बात करता हूँ कि भाई ये पहले नंबर पे जा सकती है सिर्फ अगर आप यहाँ पर सेंटर देते हैं। और इन बच्चों को मैं क्यों कर देना, तो साउथ पंजाब जहाँ पर 2000 में से एक बच्चा जो है, 2000 में से एक या दो बच्चों को पता है, अगर उनमें से आप 50% बच्चों को भी आईटी स्किल सिखा देते हैं, दे जाते हैं, तो ये जो पाकिस्तान है ये दुनिया की पहले नंबर वाली फ्रीलांसिंग नेशन बन सकती है इजीली। इसमें कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, और इकोनॉमी में भी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में फॉरन जो आपकी रेमिटेंस है वो पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगी, और महंगाई कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, और आपकी यहाँ तरक्की होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए नौजवानों को आपको सही डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा उसकी अहमियत की तरफ, और अगर उनके पास फैसिलिटीज नहीं है तो उनके लिए वो फैसिलिटीज अवेलेबल करनी पड़ेगी। जिसका मेडिकल कॉलेज आप बनाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बना रहे हैं, एजुकेशन के सेक्टर बना रहे हैं, तो हम तो कहते हैं हमें तो बड़ी बिल्डिंग चाहिए नहीं, हमें तो एक छोटी सी एक लैब बना के हर इलाके के अंदर, और वहां पर इनको हम सिखाना शुरू कर देते हैं, और ये डिजिटली इक्विप्ड हो जाएंगे हमारे। बहर ये सफर जारी रहेगा इंशाल्लाह। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप डिजिटल साउथ पंजाब .pk के ऊपर आकर रजिस्टर करें, और उसके साथ साथ डिजिटल साउथ पंजाब की जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम वो भी आपके पास, इवन ये हमने स्नैपचैट नहीं बनाया क्योंकि उसके अंदर स्नैपचैट भी है हमारे पास।